अब हम शुरुआत करते हैं इस जर्नी की जिसका नाम है कार्टोमेंसी। एक बारी ये समझ लेते हैं कि हम इस दौरान क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम सामने से देखेंगे। सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कार्टोमेंसी एक्चुअली है क्या। राइट, कार्टोमेंसी एक प्रैक्टिस है जहां हम डेक यूज करते हैं कार्ड्स के टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और टेल फॉर्च्यून्स, और इन प्रैक्टिशनर्स को कार्टोमेंसर्स कहा जाता है। कार्ड रीडर्स या रीडर्स भी बोला जाता है। ज्यादातर कार्ड रीडर्स और रीडर्स आजकल टैरो कार्ड से ज्यादा एसोसिएटेड है। जो लोग कार्टोमेंसी करते हैं उनको कार्टोमेंसर्स कहा जा रहा है, और ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप में पहले ओरिजिनेट हुआ था 14th सेंचुरी में, और प्लेइंग कार्ड्स इंट्रोड्यूस होने के बाद। कुछ ट्रेसेस ऐसे भी मिले हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर वर्ल्ड, जब फ्रांस के लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। ये जो हम बड़े बड़े टर्म्स आज की डेट में यूज करते हैं, डेमोक्रेसी है के इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये सारे बड़े बड़े टर्म्स एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। सबसे पहले ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, और उस दौरान रीडर्स ये प्लेइंग कार्ड्स को यूज करते थे प्रिडिक्ट करने के लिए चीजें। कार्टोमेंसी इट इज यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड्स। ये सबसे पुराना और सबसे कॉमन मेथड था फॉर प्रोवाइडिंग फॉर्च्यून टेलिंग, किसी के बारे में बताना, कुछ फ्यूचर बताना, और ये कंटिन्यूड रहा 18th, 19th, 20th सेंचुरी तक। अब ये इसमें डेक कौन सा यूज होता है, जो स्टैंडर्ड हमारा 52 कार्ड्स वाला डेक होता है। तो जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम टैरो डेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और कुछ लोग इसलिए स्केप्टिकल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने डेक खरीद लिया और हम ढंग से यूज नहीं कर पाए तो वेस्ट हो जाएगा। तो आप बिना डरे प्लेइंग कार्ड्स पे पहले यूज कीजिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए यू कैन मूव अहेड विथ हायर सिम्बोलिज्म यूजिंग टैरो डेक। राइट, और इसमें क्या है, 52 कार्ड्स का जो डेक हम यूज करते हैं, इसको हम जोकर के साथ या जो ब्लैंक कार्ड आता है उसके साथ भी हम यूज करते हैं।